जैसे बायोडाइवर्सिटी का जो मतलब है आपका, बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज जो थर्ड आपका कैटेगरी है, उसका मींस हो गया वैरायटी, माने कि वैरायटी ऑफ जो लाइफ फॉर्म्स हैं, इट इज ऑल इंक्लूडेड इन दी बायोडाइवर्सिटी, वेदर दे आर एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड दिस टर्म वॉज कॉइंड बाई वॉल्टर जी रोसन इन 1986, एंड ही डिफाइंड इट एज द टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम. एंड एक्चुअली इट इज अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ टू वर्ड्स, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी. एंड एज यू नो, द बायोलॉजिकल डायवर्सिटी डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंड अवर इंडिया इट इज वन ऑफ द मेगा सेंटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ये देखिए आपके, एंड ये बायोजियोग्राफिकल रीजन जो आपका इसमें दिया हुआ है, ये दोनों को कवर करता है ये वाला डायग्राम. तो इसमें 10 जो आपके बायोडाइवर्सिटी जो सेंटर्स हैं उसमें डिवाइड किया गया, बायोजियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं. तो ये 10 है, उसमें हमने इंडिया को डिवाइड किया है. तो ये तो नंबर ऑफ प्लांट्स और ये वाला है, जैसे लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. यू कैन स्टडी बायोडाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल, विच इज द लोअर मोस्ट लेवल, देन यू कैन स्टडी एट स्पीसीज लेवल, एंड देन फाइनली कम्युनिटी एंड इको सिस्टम डाइवर्सिटी. तो है, यू कैन सी, ये आपने इसके जीन्स को पढ़ा है, ये डिफरेंट जो स्पीसीज है उनको पढ़ेंगे. तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन स्पीसीज, जो एलील्स हैं आपके और एंटायर जीन्स और दी क्रोमोजोम लेवल पर. तो ये जैसे आप देखिए जेनेटिक डायवर्सिटी इन बनाना, तो बनाना आपका म्यूसा पेरेडेसी का स्पीसीज एक है, बट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ दी जो जेनेटिक डायवर्सिटी की वजह से. देखिए कलर कितने तरह का दिख रहा है आपको, और ऐसी मेज में आप देखिए कितने तरह का जो आपका इसका बना हुआ है, कौन का कलर आप देखिए अलग अलग तरह से है. ऐसी वीट में आप देखिए, वीट है स्पीसीज ट्रिटिकम एस्टिवम, बट ऑल दी ड्यू टू दी जेनेटिक वेरिएशन डिफरेंट काइंड ऑफ जो पेनिकल है आपका, देखिए अलग अलग तरह का इसमें आ रहा है. इसको कहते हैं जेनेटिक डायवर्सिटी. तो उसका बेनिफिट यह है कि जो जेनेटिक प्रोवाइड रॉ मटेरियल एडेप्टेशन के लिए, जितनी ज्यादा जेनेटिक डायवर्सिटी होगी उतना ज्यादा एडेप्ट होंगे, मतलब ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा तरह की वेराइटी होगी, तो जो भी सिस्टम है वो सस्टेन करेगा. जैसे आपने देखा होगा मोनोकल्चर, दे आर नॉट सस्टेनेबल. फिर आपका आ गया स्पीसीज डायवर्सिटी. जैसे आपके आपने कहा कि ब्रिंजल, पोटेटो, टोमेटो, दे बिलोंग टू सेम जीनस, जैसे सोलेनम हम कहते हैं ना, अलग अलग उसके स्पीसीज हैं, बट दे डिफर एट स्पीसीज लेवल. तो स्पीसीज रिचनेस और दो तरह से आप कह सकते हैं. तो ये देखिए स्पीसीज रिचनेस, अब इसमें आपका क्या है, स्पीसीज रिचनेस इज सेम ऑन द ऑन बोथ द कम्युनिटी, एक ही तरह के. देखो चार तरह के आपको स्पीसीज मिल रही है, लेकिन इसमें क्या है, एक ही स्पीसीज डोमिनेट कर रही है, ये बस एक एक इंडिविजुअल है, बट ये हियर दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, तो ऐसे ही आप इसमें भी देखिए, ये आपके ये आपका इसमें सारे एक ही तरह के स्पीसीज हैं, बट दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. देन द इकोलॉजिकल जो इकोसिस्टम डायवर्सिटी कहेंगे, तो इकोसिस्टम लेवल पर आपका होगा, एंड यू कैन डिटरमाइन और कैलकुलेटेड एट अल्फा डायवर्सिटी, बीटा डायवर्सिटी एंड गामा डायवर्सिटी. तो ये जैसे आपका है अलग अलग, इसमें आप स्पीसीज को लेके फॉर्मूले में रखेंगे तो आप इसको बीटा डायवर्सिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. गामा डायवर्सिटी इज दी डायवर्सिटी, इसी में आप देखिए अगर आप विद इन एक जो आपके डॉटेड लाइन एरिया है, इसमें अगर जैसे आपने स्पीसीज रिचनेस एक्सेट्रा आपने निकाली, इट इज कॉल्ड अल्फा डायवर्सिटी. एंड वेन यू कैलकुलेट द बीटा डायवर्सिटी बिटवीन टू कम्युनिटीज, इट इज कॉल्ड द बीटा डायवर्सिटी. एंड वेन यू कैलकुलेट कंसिडर द होल लैंडस्केप, इट इज कॉल्ड गामा डायवर्सिटी. ठीक है, तो यूज वैल्यू जो आपकी मेन है वैल्यू, इसके जो रिसोर्सेज हैं, तो जैसे आपकी एक तो हो गई बेनिफिट्स, एक तो कंजप्टिव वैल्यू है जो आपको सब पता है कि आप जो मेजर आपके फाइव यूजेस हैं, जैसे फूड है, फाइबर है, आपका मेडिसिन है, और कई सारे जो टिम्बर है, इन चीजों में आपका कंजम्पटिव यूज है. और नॉन कंजम्पटिव यूज है रिक्रिएशन में आप यूज करते हैं, एजुकेशन, रिसर्च, ट्रेडिशनल वैल्यू. और इसके अलावा जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, विच आर कॉल्ड इकोलॉजिकल सर्विसेज. ठीक है, तो जो 5F फूड, जो आपका 5F जो है, फूड, फॉडर, फ्यूल, फाइबर एंड फ्रूट. ठीक है ना, एंड बायोफ्यूल के लिए यूज हो रहा है, कई सारी मेडिसिन में यूज होता है. और थ्रेट्स जो आपके हैं बायोडाइवर्सिटी को, जैसे नेचुरल कॉजेज हैं, जैसे नैरो जियोग्राफिकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन, एंडेमिक जैसे हम कहते हैं, लो पॉपुलेशन, लो ब्रीडिंग रेट, नेचुरल डिजास्टर, फ्लड, फायर इन फॉरेस्ट एक्सेट्रा, दे आर द नेचुरल कॉजेज. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल कॉजेज, फाइबर, फ्लड,
स्ट्रॉम एक्सेट्रा विच डिस्ट्रॉय द बायोडायवर्सिटी. एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज में मेन आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट को अगर डिस्ट्रक्ट करेंगे तो फिर वो कैन नॉट सर्वाइव. इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन नेटिव स्पीसीज विच इज द स्प्रेड ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज विच इज रिजल्टेड इन द आउट कम्पिटिशन ऑफ द नेटिव स्पीसीज जो वो है ज्यादा. ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इतना ज्यादा कर रहे हैं कि आप टाइम ही नहीं दे रहे हैं उसको अपने आप को फिर से रिवाइव करने का. जैसे आप ट्री को रोज रोज काट रहे हैं तो फिर वो बेचारे को इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है कि फिर से उसमें ब्रांचिंग हो, ट्री लीफ में उसमें आए, तो वो आप दे नहीं रहे, जिसको क्रोनिक डिस्टर्बेंस हम कहते हैं. पॉल्यूशन है, उसकी वजह से भी कई स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पा रही. इंटेंसिव एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, वो सब एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हैं. ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, हंटिंग, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा, दे आर दी एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज. तो इसमें आप देखिए एग्रीकल्चर है, हैबिलिटेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, तो इसका पॉल्यूशन वगैरह, इट इज डैमेजिंग दी स्पीसीज डाइवर्सिटी. अब एग्रीकल्चर लैंड है वो कन्वर्ट हो रही है, देखिए सब पॉल्यूशन करके आपका डैमेज हो रहा है. और ये डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज, तो ये इस तरह से हो रहा है. और जो पॉल्यूशन है आपका, जैसे सी बीचेस वगैरह में, तो एनिमल को इफेक्ट कर रहा है. तो इसमें आपके जो डिफरेंट स्पीसीज हैं, जैसे IUCN ने इसीलिए जो असेसमेंट के लिए किया कि कैसे आपको कंजर्व करना है, उसके लिए उन्होंने 9 कैटेगरीज दी थी. तो ये आपकी 9 कैटेगरीज हैं, उनके बेसिस पे आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं. और विच रिक्वायर, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो यू रिक्वायर देन कंजर्वेशन. तो कंजर्वेशन के लिए आपका है बायोस्फीयर के लिए थ्रू मेंटेन एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस. तो अगर आपकी स्पीसीज सफिशिएंट नहीं होंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि एक जो इकोसिस्टम प्रोसेस है वो एक कंबाइंड एफर्ट होता है, उसमें कई आपके एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो और जो आप उनका फिजिकल एनवायरमेंट है वो कलेक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, देन ओनली सम इकोलॉजिकल प्रोसेसेस कैन जनरेट. जैसे आपका अगर क्लीनिंग ऑफ एयर है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन, तो उसमें आपका फिजिकल एनवायरनमेंट भी इन्वॉल्व होगा, ग्रीन प्लांट्स भी होंगे, आपके जो एनिमल्स भी होंगे जो आपका सप्लाई करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, और उसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कई सारे एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस वो प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, तो और उसके अलावा टू प्रिजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी. एंड टू इंश्योर अ कंटिन्यूअस यूज ऑफ स्पीसीज, जो रूरल कम्युनिटीज, इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, उसके लिए भी आपको एक कंटिन्यूअस जो आपको चाहिए. तो इसमें आपके जैसे दो मेन मेथड हैं, एक तो हो गया इन सीटू कंजर्वेशन, आप देख रहे हैं, एक होता है एक्सीटू. इन सीटू माने जहां पर वो ऑर्गेनिज्म है वहीं पे आप उसको कंजर्व करेंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑन साइट कंजर्वेशन. नेचुरल हैबिटेट में आपको करना है, और एक्सीटू मीन ऑफ साइट कंजर्वेशन, आप उसको बाहर लाके कंजर्व करेंगे. तो इसमें आप देखिए, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन, जैसे जहां पर है आपका बायोस्फीयर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जो हमारा बनाया गया, और ये हो गया इन एक्सीटू, जैसे जीन बैंक है, जू है, एक्सेट्रा. तो इसमें आप देखिए, जैसे इन सीटू में आपका आ गया सेक्रेट ग्रुप्स आपने बना दिए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, और उसमें या फिर टेरेस्ट्रियल मैरीन, दोनों में आप बनाएंगे. और एक्सीटू में जैसे सेक्रेट प्लांट होम गार्डन, सीड बैंक्स और बॉटनिकल गार्डन, जू एक्सेट्रा, ये आपके एक्सीटू कंजर्वेशन में इसमें आ गए. तो बायोस्फीयर रिजर्व में, जैसे मैंने पहले आपको बताया था सुंदरबन में आपने देखा, तो ये आपका एक कोर एरिया होता है जिसमें कि कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है. फिर उसके बाद एक बफर जोन होता है जिसमें आपका ह्यूमन सेटलमेंट है, लोकल इनहेबिटेंट्स रहते हैं, और दे कैन कलेक्ट देयर डेली नीड फ्रॉम द फॉरेस्ट, बट इन अ रेस्ट्रिक्टेड मैनर. ऐसा नहीं है कि कितना भी उखाड़े. और ये फिर आपका आउटसाइड जो जोन होता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन, उसमें आपका सारी एक्टिविटीज होती हैं, रिसर्च और भी फॉरेस्ट जो एक्टिविटीज हैं वो सब इसमें होती रहती है. तो ये आपके प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है हमारे इंडिया का, ये आपका जो है, ये तो मैंने इसमें लिया. इसके अलावा एक आपका इसमें ऐड था, मतलब इसके अलावा जो आपकी इसमें था, जैसे इकोसिस्टम फंक्शनिंग में क्या रोल है, तो इसको हम जैसे डायग्राम से समझते हैं. तो उसमें क्या होता है, इकोसिस्टम, जैसे हमने कहा ना, इस बायोडायवर्सिटी का क्या रोल है इकोसिस्टम फंक्शनिंग में, तो उसकी कई सारी थ्योरीज हैं. जैसे कुछ ने तो कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी ने कहा कि कुछ स्पीसीज इंपॉर्टेंट होती हैं वही गवर्न करती हैं, किसी ने दूसरे ने कहा कि नहीं सारी स्पीसीज जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं. तो इस तरह से बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, जैसे स्टेबिलिटी अप्रोच दी वो. तो इसमें कहा गया है कि जो
जहां पर ज्यादा स्पीसीज होंगी वो सिस्टम ज्यादा सस्टेन करेगा, मतलब वो ज्यादा सस्टेनेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। तो इसमें जैसे आप देखिए हायर स्पीसीज रिचनेस होगी तो वो कह रहे हैं हायर ट्रेड डाइवर्सिटी, जितनी ज्यादा स्पीसीज होंगी उनके उतने ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे ना, अलग अलग ट्रेड्स वहां पर होंगे। तो डोमिनेंस ऑफ स्पीसीज विथ पर्टिकुलर ट्रेड इसमें जैसे आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री अमंग पर्टिकुलर स्पीसीज, कॉम्प्लीमेंट्री अमंग स्पीसीज विथ अदर ट्रेड्स। तो इस तरह से जब आप देखेंगे इन चीजों को तो आप ये देखेंगे इसमें जैसे स्पीसीज रिचनेस बढ़ रही है तो ये प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है इसमें। उन्होंने अलग अलग ईयर में जब इसको ऑब्जर्व किया है तो उसमें उन्होंने देखा कि जैसे स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, माने कि वो गवर्न करती है, क्योंकि ज्यादा जैसे फुली यूटिलाइज करते हैं वो रिसोर्सेज को, जितनी ज्यादा स्पीसीज होंगी तो जैसे अब दो स्पीसीज है तो उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट है वो उसी पे फोकस करेंगे, तो उसमें क्या होगा कुछ रिसोर्सेज तो ओवर यूटिलाइज हो जाएंगे, कुछ जो होंगे अनयूटिलाइज रहेंगे। बट उसमें आपका क्या होगा कि जब आपका ज्यादा स्पीसीज होंगी तो फुली रिसोर्स यूटिलाइज्ड होंगे। तो अब इसमें देखिए स्टेबिलिटी भी देख रहे हैं आप, जैसे स्पीसीज रिचनेस ये स्पीसीज नंबर है ट्रीटमेंट, मतलब ज्यादा स्पीसीज हैं तो ज्यादा स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि क्या होगा कि कुछ स्पीसीज क्या होती है वो ड्राउट रेसिस्टेंट है, मान लीजिए ड्राउट हो गया तो कुछ होंगी जो ड्राउट रेसिस्टेंट होंगी वो उसको गवर्न कर लेंगे। और एक इन्होंने जो दी है कुछ तो पॉजिटिव, जो सारे स्पीसीज हैं वो पॉजिटिव हैं, बट एक कुछ लोगों ने कहा कि बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम फंक्शन में रिवर्स रिलेशनशिप भी है। तो उसमें कहा कि वो ज्यादा स्पीसीज होंगी तो ज्यादा जो है वो डिक्रीज फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। उन्होंने कहा जैसे वेजिटेशन इफेक्ट ऑन वाटर ईल्ड फ्रॉम अ कैचमेंट, इंक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी एंड बायोमास लीड टू डिक्रीजिंग वाटर ईल्ड एंड अ सिचुएशन इन विच प्रोडक्शन लेवल ऑफ अ क्रॉप प्लांट इन एन एग्रीकल्चर हैबिटेट आर मेंटेन्ड ओनली बाय यूज ऑफ पेस्टिसाइड हर्बिसाइड एंड फंजीसाइड टू एलिमिनेट जो कंज्यूमर्स। जैसे कि आप एग्रीकल्चर फील्ड में आप देखते हैं आजकल तो हम क्या करते हैं कि वहां पर बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस करते हैं बाई पुटिंग पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, हर्बिसाइड, फंजीसाइड एक्सेट्रा। तो हम बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस करें सो दैट वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप। तो उन्होंने कहा इनवर्स रिलेशन है। और ग्रेजुअल डिक्लाइन में रिलेशनशिप वेयर एन इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी ग्रेजुअली रिड्यूसेस सम प्रोसेसेस, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन दी डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड माइक्रोब्स इन इनऑर्गेनिक मैटर। जैसे जो आपके माइक्रोब्स ज्यादा होंगे तो क्या होगा, इनऑर्गेनिक मैटर आपका घट जाएगा क्योंकि ज्यादा यूटिलाइज करेंगे उसको। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इनवर्स रिलेशनशिप भी इनके बीच में है। ये आपका जो डिफरेंट जो आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होंगे के बारे में, जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं बायोजियोग्राफिकल रीजन विद सफिशियंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट इज थ्रेटन्ड बाय ह्यूमन हैबिलिटेशन, मतलब ह्यूमन की वजह से उस वहां पर सबसे ज्यादा जो है वो थ्रेटन्ड स्पीसीज है, बट वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहले जो मायर ने ये टर्म यूज किया था, नॉर्मन मायर ने 1998 में उनका एक पेपर फाइनलाइज किया, पेपर नेचर में पब्लिश हुआ 2000 में, तो उन्होंने ये टर्म दिया था। तो सबसे पहले मायर ने 25 हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे, बट अब बढ़ 10 और उसमें ऐड हुए तो अब हमारे पास 35 हॉट स्पॉट्स है। तो ये क्या करते हैं 35 में 50% ऑफ वर्ल्ड्स एंडेमिक जो प्लांट स्पीसीज है और 42% ऑफ जो एंडेमिक टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट स्पीसीज है, ठीक है, वो इसलिए हम इसको हॉटस्पॉट कहते हैं। तो इंडिया इज होम टू 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ईस्टर्न हिमालय एंड इंडो बर्मा रीजन एंड वेस्टर्न घाट। तो ये आपका इंडिया में इनकी पोजीशन शो कर रहा है, इसमें हमने दिया भी है कि कौन से सीरियल में, जो 35 की जो लिस्ट है उसमें कौन से सीरियल में ये चारों हॉटस्पॉट्स आते हैं। तो इंडिया में आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आईसीएमआर रेड कैटेगरी मैंने आपको बता दिया था इसमें, तो ये आपका इसलिए ये खाली डायग्राम है जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है आपकी नई क्लास।